95 मीटर को लगभग में फेस वन तैयार भैस अरु सेक्टर में फेस टू फेस थ्री फेस फोर कर हमी बना इसको सब भाई सृजनात्मक यो माथि चाहे देखना सकूँ तब धर्मशाला को निम्ति हमें प्रयास करते जग बलि भेन माथि चाहे धर्मशाला बलियो होसकार हमें इसमें चाहे पूरा बलियो बना मात्र हमी पूरा चाहे काम सुरू कर सब भक्तजन हृदय बला को उत्तर महाकाली के चंडा स्वरूप यह निर्माण को लगी चाहे दिनुहुन्छ भन्ने हार्दिक नमन करते सबलाई स्वागत करना चाहूँ। धन्यवाद। नमस्कार संपूर्ण भक्तजन हमी सोखा चंदेश्वरी मंदिर निर्माण तथा संरक्षण समिति को तर्फब धेरै धेरै सहयोग को भावना राख्दै हमी यो ठाउँमा यो 33 कोटी देवता ने वासस्थान गरेको पवित्र भूमि दक्ष प्रजापति ने एक होम गरेको काली उत्तर महाकाली ने वासस्थान जगाएको जमाएको ठाउँमा हामीले अहिले सुरुमा यो शेरवाल उठाउँदै हामी यो भन्दा अलि माथि भवनहरू वृद्ध आश्रम बाल आश्रम लगायत सम्पूर्ण भवनहरू बनाउनलाई यसले यहाँदेखि हामी सुरु गर्दै छौं। यस सकेपछि हामी महाकाली उत्तर महाकाली को
मन्दिर निर्माण गर्नेतर्फ हामी सम्पूर्ण नेपालमा बस्नुभएका भक्तजनहरू या विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूले यो पवित्र भूमिलाई सहयोग गरी यो ठाउँ धार्मिक धामको रूपमा विकास गर्न सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै हामी यो ठाउँलाई पछि धार्मिक धामको रूपमा विकास गर्न लागिरहेको छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले यसलाई सहयोग गरी झन् योभन्दा धेरै धेरै विकास गर्नलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै हामी ढोका समिति मन्दिर निर्माण तथा संरक्षण समिति धेरै आभारी छ। फर्स्ट फेजमा यो माटो रोप्नको लागि मातिको ल्यान्डस्लाइड रोप्नको लागि हामीले यहाँ अहिले फर्स्ट फेजको लागि आरसी स्टक गरेर मेसनरी वाल दिएको छ, त्यसको कार्य हुँदैछ। अब सबभन्दा पहिला हाम्रो जग्गा जति त्यसको अतिक्रमण मन्दिर अतिक्रमण गर्न मन्दिरको नाम अतिक्रमणको लागि यसको सेकेन्ड फेजमा हाम्रो वाल बल्ल हामी मन्दिरको मन्दिर निर्माणतिर जाने। नमस्कार, मैं संजीव सिंह राठौर ओखा चंद्रश्री उत्तरकाली महाकाल कालिका मुख्य सलाहकार जोशीदाई हमरो परम पूज्य जोशीदाई परम पूज्य जिला काजी दाई और समस्त हमरो सदस्य लोग हम तोखा मंदिर के निर्माण के लिए अग्रसर काम स्टार्ट शुरुआत हो रहा है। ये आपको लगभग बहुत कठिनाई से बहुत सबके सहयोग से ये काम स्टार्ट हुआ है और हम लोग यही माँ रानी के दरबार में खड़ा होकर यही सपना है कि हम लोग जल्द से जल्द इस मंदिर का मंदिर स्थापना करें और मंदिर स्वरूप बनाएं और सारे जनता नेपाल से लेकर इंडिया से लेकर सारे संसार से आग्रह है कि हमारा वेबसाइट कुछ ही दिनों में आपके सामने आएगा। जो जितना राशि 5 से 5 हज़ार 10 हज़ार 50 हज़ार 2 लाख 10 लाख 5 लाख देने हेतु ये समझ कर दान कीजिए कि यहाँ गरीब अनाथालय बच्चा माँ काली का मंदिर पुराना यहाँ 33 कोटि यहाँ निवास करने सभी देवताओं के लिए अग्रसर है और आप लोग से नम्र निवेदन है कि हमारे मंदिर में हमारे नहीं सभी के मंदिर में यथाशक्ति दान हेतु अग्रसर करें। कुछ ही आपके वेबसाइट पर नंबर हेतु अकाउंट नंबर हेतु सब मिलेगा। आप लोग नर्म निवेदन है पूरे संसार के हिंदू समाज के संसार वासियों से नर्म निवेदन है कि चंदा हेतु आप अनुदान करें। धन्यवाद। चन्देश्वरीमा चाहिँ अब धाम बन्न लागिरहेको छ। हाम्रो सञ्जीव सिंह राठौरको यो देन हो। अब यो देन कहाँसम्म पुग्छ यो सबैको आशाहरू पुरा हुन्छ जस्तो छ। अब ओम पद्म कल्की सत्य प्रतिष्ठान यो संस्था चाहिँ सबैको एउटा छहारी नै होस् भन् जस्तो लाग्छ। दिनदुखीहरूको पनि उद्धार होस्। अब ओम पद्म कल्की सत्य प्रतिष्ठानलाई अब धेरै ठाउँमा जमिनहरू पनि दिइरहेछन्, त्यहाँ पनि केही गर्न सकियोस्। ठुलो कुरा विकृतिहरू पनि हटोस् जस्तो लाग्छ र धर्म संस्कार संस्कृति लोप हुँदै गएको छ। आफ्नो पहिचानको खोजी सबैले गरौँ जस्तो पनि लाग्छ। अब यसमा सबैलाई जागरुक गराउनु मन छ। अब त्यहाँ धाम बनेर सबै दिन दुखीकोहरूको सेवा होस्, खाना लाउन नपाउनेहरूलाई बाटोमा परेकोहरूलाई उद्धार गर्न सकियोस्। अब संस्था चाहिँ निकै फलोस् फुलोस्। अब यहाँ श्रीमद् भागवत पनि हुँदैछ 7 गतेदेखि 13 गतेसम्म।